3, 2, 1, drop it. नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर महीने में कौन तीन फसल की खेती कम लागत में करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरा अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। अब हम बात करेंगे कि कौन सी फसल पहली फसल है। तो पहले फसल है पालक। तो पालक की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करें। यही नहीं, ये खेत की तैयारी पालक, मूली और धनिया तीनों फसलों के लिए होगा। सबसे पहले खेत को कल्टीवेटर से जुताई करके फिर उसमें खाद डाल के रोटावेटर से जुताई करा दे, जिससे मिट्टी पूरी तरह से भूरभूरी हो जाए। फिर हम बात करते हैं पालक की बुवाई कैसे करें। तो कुछ लोग पालक की खेती छिटवा विधि से करते हैं, तो कुछ लोग बेड बना के। तो मेरे हिसाब से बेड पे बोना बहुत ही अच्छा होता, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा है पर लाभ भी उतना ही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन पे दे दिया है कि पालक के पौधे से पौधे की दूरी, गहराई और जो कुछ चाहिए होता है मैंने दिखाया है। और जब बुवाई हो जाए और पौधा उग जाए तो पहला काम होता है कि खरपतवार नियंत्रण करना। तो जैसे ही कोई खरपतवार दिखे आपके फसल में तो उसे निकल दे, जिससे वो खेत की ताकत का अपने में ना प्रयोग करे। फिर बात आती है कि इसमें कौन सी कीट लगते हैं। तो हम बता दें कि इसमें पत्ती छेदक, फंगस, इल्ली और कुछ ऐसे कीट लगते हैं। तो इनके लिए आपके यहाँ जो कोई भी अच्छी कीटनाशक हो वो स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो महारथी नाम का एक दवा आता है जो कि इसके लिए रामबाण है। और फंगस लगा हो तो उसमें साफ नाम की दवा आती है, या कोई फंगस साइड यूज कर सकते हैं। और फिर उसमें नमी रहे तो खाद के रूप में यूरिया और पोटास या कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट मिलके छिट दे। और जब फसल तैयार हो जाए तो उसे सही टाइम पर काट के बेच दे। और अब हम बात करेंगे दूसरी फसल जो की है धनिया है। तो इसमें हम बात करेंगे कि खेत की कैसे तैयारी करें। तो जैसे हम बताए हैं कि पालक में करते हैं वैसे हैं हम इसमें भी करते। बीज चुनाव, धनिया की खेती के लिए उचित विवादास्पद बीज का चयन करें। बीजों की गुणवत्ता का सच्चा दोहरा प्रकरण करें। खेत की तैयारी, अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का चयन करें। मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करें जिसमें खाद, जल और वायु संचालनीय हो। बुआई, धनिया के बीजों को बोएं और इन्हें खेत में उचित दूरी पर बोएं। बीजों की संख्या और दूरी का इंतजार करें ताकि पौधे सही जगह पर उगे। सिंचाई और पोषण, धनिया को नियमित रूप से सींचें, खासकर पौधों की शुरुआती दिनों में पौधों को नियमित रूप से पोषण प्रदान करें। और बाकी खरपतवार नियंत्रण, खाद और कीट नियंत्रण सब कुछ पालक की खेती के जैसा ही होगा। और एक बात का और ध्यान रखें कि इन तीनों फसलों में जल निकास का पूर्ण ध्यान रखें। जब फसल तैयार हो जाए तो उसे काट ले और अच्छे से धो के मार्केट में ले जाए। यदि आप धनिया, पालक या मूली को एक दिन पहले शाम को ही काट लेते हैं तो उसे किसी ऐसे खुले स्थान पर रखें जहाँ ओस पड़े। और इसके बाद हम बात करेंगे कि अगली फसल कौन सा है। तो वो है मूली, और इसमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ते हैं। तो मूली की फसल को अच्छे से देखें। मूली की खेती करने के लिए खेत की तैयारी जैसा हमने पहले किया था वैसा ही करना, बस इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने वाली है। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब हम जुताई करते हैं तो उसमें हम यूरिया कभी नहीं मिलते, और मूली के फसल में तो कभी भी मिलते ही नहीं है। अन्यथा उसमें एक खोदने वाली रोग लग जाती है जिससे कि पूरी मूली की फसल खराब हो जाती है। तो इसके लिए हम जुताई के समय ही डीएपी और अन्य खाद एक साथ, ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का प्रयोग करेंगे, जिससे मेरे मिट्टी जो सूक्ष्म हानिकारक जीव है वो खत्म है जाए। और अब हम ये देखेंगे कि जो मेड़ हम बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि उसमें सिंचाई करने पे कहीं भी पानी न लगे, अन्यथा मूली की जड़ में एक रोग लग जाएगी जिससे पूरी मूली की फसल खराब है जाएगी और आप एक बहुत बड़े मुनाफे से चूक जाएंगे। तो जब हम पहली बार मिट्टी चढ़ाएंगे तो उसमें हम डैप के साथ फोरेट नाम का दवा आता है उसे मिलाएंगे, जिससे उसके अंदर यदि कोई दीमक या उसके जैसा कीट है तो वो मर जाएगा। और जब भी सिंचाई करे तो ये ध्यान रहे कि उसमें कभी भी पानी मेड़ के आधे से नीचे ही रहे, नहीं तो पानी की वजह से मूली की जड़ सड़ जाएगी। और
जब भी सिंचाई करे तो उसमें किसी भी ऐसे कीटनाशक को ड्राप के रूप में जहां से पानी खेत में गिर रहा है वहीं पर छोड़ना चाहिए, जिससे वो पानी के साथ पूरे खेत में फैल जाए और कीटों को मर सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और नहीं लिखे करते हैं और नहीं सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।